क्या हो चचा, सुने हैं कि चाची के पैर फिर से भारी कर दिए हो यार। क्या बात कर रहे हो चचा? सच्ची में? और नहीं तो क्या, चाचा बुढ़ा गए हैं मगर गुलाटी मारे नहीं छोड़े हैं, क्यों चाचा? दूध, तुम लोग बेहुदा लोग क्या बोल रहे हो? क्या मजाक बना के रखा है? साला गुलाटी मारना नहीं आता है क्या बोल रहे हो जी? ऐसा झप मारेंगे साला, डम टूटा सब डाट साला झड़ जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका एक पैर तो पहले ही कवर में है और दूसरे केले के छिलके पे, और फिर भी आप कूद फांद करने में लगे हुए हैं। लगता है कि पूरा ईश्वर इंडिया टीम बनाकर ही चाचा मानेंगे। ठीक बोल रहे हो यार। हाँ, हम क्रिकेट टीम बनाएंगे, तुम क्या कर लोगे? अरे हम क्या करेंगे चाचा, आपको जो करना चाहिए तो वो तो करिए दिए। बाबू सुनो, मुंह अपना कंट्रोल में रखो और फालतू में हमसे मत बोलो। अरे चचा, हम तो अपना मुंह कंट्रोल में रखे हैं, बट अपना सामान ना कंट्रोल में रखिए। आजकल तो अपना कंपनी भी 1 साल की वारंटी देती है। अब तो दे दनादन दे दनादन मशीन तरह प्रोडक्शन में प्रोडक्शन निकाल रहे हो चाचा। अरे चचा, देश की जनसंख्या पर भी तो ध्यान रखा करो। कुछ प्रोडक्शन चीज यूज किया करो चाचा। अरे हम तो कह रहे हैं कि तारी कटवा लो चचा, ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी। मतलब अरे चचा, ये कह रहा है ना कि नसबंदी करा लो। तुम सबका दिमाग खराब हो गया है? हमारा खानदान में कोई नसबंदी नहीं कराया है, हम कैसे करा ले? अरे चचा, आप बात ऐसे कर रहे हैं जैसे आपका खानदान राजाओं महाराजा का है। और नहीं तो क्या, जाकर पूछ ले मेरे मोहल्ले में, आज भी मेरे नाम के डंका बजता है वहां। अच्छा, तो आपका नाम का डंका बजता है वहां? और नहीं तो क्या। तब तो चचा आपके डंके में सूजन हो गई होगी यार। क्या बताएं बेहुदों के, मैंने तो पहले ही अपना नसबंदी कर लिया था। हमारा नसबंदी कैसे किए थे डॉक्टर साहब आप? मेरी मेहरारू फिर पेट से हो गई। अरे बुढ़बक, हम तुम्हारा नसबंदी किए थे, पूरे मोहल्ले का नहीं।